लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। अब अखिलेश यादव को देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बयान दिया। बयान ये दिया अखिलेश ने कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया और कहा है कि इस बार अखिलेश की साइकिल के टायर का पंचर होना पूरी तरह तय है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इसमें पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर समेत 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। वोटिंग से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे और यहां तक दावा कर दिया कि इस बार बीजेपी का सफाया तय है। 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण खत्म कर दिया और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर वार किया तो समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में चुनाव प्रचार में जुटे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए प्रहार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की माने तो इस बार साइकिल पूरी तरह से पंचर हो जाएगी। साइकिल को पूरी तरह से पंचर करके सपा को समाजवादी पार्टी बना करके कभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चयन से बैठे। ये मोदी लहर में जीतेंगे। मोदी जी मुलायम सिंह यादव जी के कारण मैनपुरी नहीं आते थे, इसके कारण सपा जीत जाती थी, लेकिन 2024 में माफी नहीं है, 2024 में विजय है। यूपी में जहां एसपी बीजेपी में वार पलटवार चल रहा है तो वहीं बीएसपी भी कई सीटों पर सेंध मारने में जुटी है। बीएसपी ने जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला को टिकट देकर चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है।